हेलो माय यूट्यूब फैमिली, ये देखिए मैं इनलाइन रोल कर रहा हूँ, ग्लाइड कर रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है। डे वन पर दोस्तों मैं खड़ा होने को सीख गया था और डे थ्री पर थोड़ा रोल करने को सीखा और डे फाइव के बाद मेरे स्केट्स बंद कर दिया क्योंकि हमारे यहाँ का जो एक पार्क है वो स्केट पार्क में बच्चे लोग क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, यही वाला पार्क, तो स्केट करने नहीं मिलता है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। ये जो अपना सनग्लासेस मेरे रोड बाइक का मैंने लिया है क्योंकि आज धूप काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से है, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों इनलाइन चलाने में और मुझे अचानक से यूट्यूबर प्रताप अंडरस्कोर एसके और इंडियन स्केटर नूब को देख के ये स्केट करने का मन हुआ और मैं उनके वीडियोस से मैंने सीखा है कैसे चलाना है। यूट्यूब पे ये लोग काफ़ी अच्छे कोच हैं इनलाइन के, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनके वीडियोस देखकर सीख सकते हैं। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करना और नहीं अच्छे लगे तो कमेंट करना क्यों नहीं अच्छा लगा, तो वो हिसाब से मैं आप लोगों के लिए अपने वीडियोस लाने का प्रयत्न करूँगा। ये थोड़ा बैठते हैं और बैठकर आप लोगों से रूबरू होते हैं। ओ शिट दोस्तों, बच गया मैं विदाउट गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स, हेलमेट। इनलाइन स्केटिंग बिल्कुल भी मत करना क्योंकि अगर आप गिर गए तो डेफिनेटली आपके हाथ की और आपका वेट ज़्यादा है। अगर मेरे जैसा, मैं 100+ हूँ दोस्तों वेट में, तो आपकी हड्डी टूट जाएगी। मैं गिरा था डे थ्री पर तो मुझे इतना डर गया था मैं दोस्तों, वापस मुझे स्केट पहनने को ही डर लग रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से चोट लगी थी। करीबन 3 या 4 दिन तक मैं बेड पे सोया ही था, फिर मैंने वापस से हिम्मत करके वापस से मैंने बोला नहीं सीखेंगे और भगवान के ब्लेसिंग से, आप लोगों के प्यार से मैं थोड़ा बहुत ग्लाइड करने को सीखा हूँ। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है दोस्तों और मैं जो स्केट्स यूज़ कर रहा हूँ वो डीकैथलॉन के MF 500 है दोस्तों, 4-wheel इनलाइन स्केट है। इसके ऊपर का वर्जन आएगा MF 900, उनके जो व्हील्स के डायमीटर है 100x10x3 है और वो सुपर फास्ट और बहुत ज़्यादा ग्लाइड होते हैं, रोल होते हैं। तो अगर आप बेसिक से सीखना चाहते तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा डीकैथलॉन के MF 500 लीजिएगा। वो हार्ड बूट है और जो फिट 100 है वो 4000 रुपीज़ का है, लेकिन वो सॉफ्ट बूट है दोस्तों। अगर आप लोगों का बजट नहीं है थोड़ा महंगा लेने का तो आप लोग रुक जाइए, लेकिन लीजिएगा तो आप लोग MF 500 ही लीजिएगा। काफ़ी अच्छे स्केट्स है, ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, एक ही बार इन्वेस्ट कीजिए तो आपको बहुत साल निकल जाएंगे। बस दोस्तों इसी तरह से वीडियोस लाते रहूँगा आप लोगों के लिए, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।